प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही धार में भी जमकर बरसात हुई। बीती रात से ही जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा कर दिया है, वहीं इसने लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी है। जिले के धार, बदनावर, सरदारपुर, राजगढ़, कुक्षी, डही, मनावर, धर्मपुरी, धामनोद, मांडू सहित कई इलाकों में बारिश होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। निचले इलाकों की कई कॉलोनियों में पानी भी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धार के जानकी नगर, श्रीकृष्ण नगर, त्रिमूर्ति नगर, नौगांव सहित कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। वहीं भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए एसडीएम वीरेंद्र सिंह और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी शहर के दौरे पर निकले और जिन जिन कॉलोनियों में पानी भरा है वहां से पानी निकासी के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं धार के ग्राम तीस गांव में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का सामान भी बारिश के पानी में बह गया है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां भी प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। फिलहाल बारिश का दौर लगातार जारी है और इसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और बरसात की पूरी स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। सर, बारिश इतनी जोर की, तेज बारिश होने की वजह से मतलब प्राकृतिक देन मतलब रात से ही पानी गिर रहा है और सभी के घरों में पानी घुस गया और मतलब इनका करीबन सोयाबीन, चने वगैरह सारे ही मतलब खत्म हो गए। मतलब 50 से 60 70 घरों में पानी घुसा है और बहुत सारा नुकसान हुआ है। पंचायत स्तर से हमें जो भी सेवा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नाली वगैरह सब कंप्लीट करवा दी, लेकिन फिर भी पानी इतना है तो क्या कर सकते हैं सर। उनको पंचायत भवन की अपना व्यवस्था कर दी और कहीं अपना घर मतलब जो भी अच्छे जहाँ व्यवस्था है वहाँ करवा दी उन्होंने। पानी अब सभी जगह गिर रहा है, वो तो अब ऊपर से लगातार पानी गिर रहा है। अब यहाँ जहाँ से पहले भी इस बार गाँव में पानी भराया था, नाले नाली की खुदवाने की पूरी व्यवस्था कर दी थी, अभी भी लगे हैं। अब सभी जगह पानी लगातार है, जैसे पानी खत्म होगा फिर उसके बाद देखते हैं। बाकी अभी रोड वालों को, प्रधानमंत्री सड़क वालों को भी बुलवाया है, जहाँ रोड वोड से दिक्कत आ रही है वो भी जाके चेक करेंगे। टेक्निकल ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कंपनी ने या पुलिया नहीं बनाया, इसकी वजह से वो इसीलिए वो उन लोगों को भी बुलवाए हैं। वो लोग आके चेक करेंगे कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पुलिया नहीं बनी है, कहाँ ये टेक्निकल चीज़ वो लोग बता पाएंगे। पानी रात भर से गिर रहा है और सुबह तो छः बजे बहुत कम पानी था, 6 बजे से बाद बहुत पानी हो गया। घरों में आधे आधे घर भरा गए, चने खराब हो गए, लहसुन वसन खाली वगैरह हम फेंक दी और झगड़े अगड़े हो रहे हैं इधर उधर, पानी खाली नहीं खोदने दे रहे। इससे ज़्यादा पानी कैसा लोगों घरों में भरा था, कितना पानी भरा था, क्या मोटरसाइकिलें डूब गई थी, क्या हुआ? मोटरसाइकिलें सामने है ना, पूरी डूब गई थी। दोपहर न्यूज़ के लिए धार से मोहिनी वर्मा की रिपोर्ट।